मैं राजीव शुक्ला निवासी जयप्रकाश नगर, मकान नंबर 566/28 था जी, जयप्रकाश नगर आलमबाग लखनऊ। मेरा एक दुकान जी नटखेड़ा रोड पे है, मेरे घर के ही थोड़ी दूर पे, उसको मैंने किराए पे दे रखा था जी, जिसका माननीय न्यायालय में काफी दिनों से मामला न्यायालय में चल रहा है, जिसकी डेट कल दिनांक 14 तारीख को 14/12/23 को लगी हुई है, जिसपे विपक्षी द्वारा निर्माण कार्य हमारे दुकान पर कराया जा रहा है दिन रात। हमने इसकी लिखित सूचना कोतवाल आलमबाग को, चौकी इंचार्ज माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को भी मैंने दिया, प्रमुख सचिव गृह को भी दिया, कमिश्नर साहब को भी दिया। इसकी सूचना मैंने सबको लिखित दी है, जिसकी कॉपी ये है जी। अच्छा ये आपने आलमबाग कोतवाली में लिखित प्रार्थना पत्र दिया, आपके मिल के दिया जी। उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा, विपक्षी लोग बड़े दबंग हैं, वो कभी भी मेरी हत्या करा सकते हैं जी, और मेरे परिवार में कभी भी कुछ घटना हो सकती है। अच्छा, मैं माननीय शासन प्रशासन माननीय न्यायालय से मुझे हाथ जोड़कर विनती करना है कि मेरे परिवार की रक्षा की जाए। विपक्षी बहुत दबंग है, कह रहे हैं कि अगर दुकान गिर्द गिर्द भी करा देंगे आपको कहीं का नहीं रखेंगे जी। मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा की जाए जी, नहीं तो हमारे साथ कोई भी घटना। मैं एक स्वास्थ्य कर्मी भी हूं, सरकारी नौकरी भी करता हूं जी, और मैं सेक्टर वार्डन भी हूं सिविल डिफेंस का, नागरिक सुरक्षा का जी, मैं सामाजिक आदमी भी हूं। मेरे साथ कभी भी कोई घटना घटित हो सकती है, क्योंकि मेरा आना जाना उसी रास्ते से है जहां मेरे दुकान और मकान पे अवैध निर्माण रात दिन चल रहा है, जिसकी सूचना मैं बराबर चौकी इंचार्ज को दे रहा हूँ, तब भी चौकी इंचार्ज इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो विपक्षी लोग एक दबंग किस्म के लोग हैं, वो कभी भी कोई अप्रिय घटना मेरे ऊपर घटित कर सकते हैं, मेरे जान माल की हत्या करा सकते हैं, मेरे बच्चों को गायब करा सकते हैं, मेरी भी हत्या कराई जा सकती है। मुझे शासन प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरी सुरक्षा किया जाए, मेरे निर्माण जो चल रहे हैं उसको रुकवाया जाए, और कल जो कि न्यायालय में इसकी डेट भी लगी हुई है, जिससे मैंने ये देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रमुख सचिव गृह को, कमिश्नर को, आलमबाग कोतवाल को, चौकी इंचार्ज को, सीपी कैंट को, मैंने सभी को प्रत्यावेदन लिखित दिया है और स्पीड पोस्ट डाक से भी भेजा है, सूचना दिया है कि विपक्षी द्वारा ये निर्माण कार्य मेरे अवैध रूप से किया जा रहा है, इसको रुकवाया जाए, लेकिन शासन प्रशासन से मुझे न्याय की आशा है, मुझे न्याय मिलेगा। ठीक ओके।